आपका नाम? महिमा सक्सेना। कहाँ से आई? धोरेरा माफी से। थाना कौन सा लगता है? थाना इज्जत नगर थाना। केस कब तक आए? जी मेरे पति को जबरदस्ती फंसाया जा रहा है इसमें, अभी तक उनका कोई सबूत कुछ नहीं मिले हैं, फिर भी पुलिस ने उन्हें अपनी हिरासत में रख रखा है मर्डर केस में। और जिसका मर्डर हुआ है वो जो है उनका भाई जैसा ही था, इनके साथ में रहता था। और जब मर्डर हुआ था तो उससे पहले भी घर आ चुके थे, हमारे पास सीसीटीवी फुटेज में भी है कि ये 8 बजे तक घर आ चुके हैं, बिना टाइमिंग के बिना सबूत के इन लोगों को हिरासत में ले रखा है। ये 7 तारीख को चीजों वाले दिन मर्डर किसका हुआ है? मर्डर हुआ अनु शर्मा का। वो कहाँ रहते हैं? वो भी वहीं पे रहते हैं, पास में ही रहते हैं लगभग, और मर्डर थोड़ी सी ही दूर पे हुआ है उनके। असल में उनके घर में पुलिस में है ये लोग, तो वो अपनी पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या नाम है उनके? जी उनके नाम क्या है? उनके अनु शर्मा की मम्मी का नाम है जो शकुंतला शर्मा, वो पुलिस से रिटायर है। शिकायत अभी तो पहले तो हमें लोगों को तो पता ही था कि हमारे पति बेकसूर हैं, तो हम लगा पुलिस छोड़ ही देगी, कह के ही गई थी पूछताछ करके छोड़ देंगे, लेकिन जो उसके भाई हैं सौतेले भाई हैं वो लोग इन्हें जबरदस्ती फंसवा रहे हैं। सगे भाई तो नहीं है वो, क्योंकि अनुज खुद ही इन्हें सारी अपनी बातें सारी कहानी सुनाता था, इनके आगे रोता था कि भैया मेरे भाई ऐसे हैं और मैं अपने पापा से पैसा लूँगा कि, और उन्हें अपने घर में भी नहीं आने देता था, इसीलिए वो जो छोटा भाई था वो बदायूं रहता था। जी और शिकायत कहीं नहीं, अभी तक तो शिकायत कहीं नहीं करी। आप क्या चाहते हैं? हम जी चाहते हैं कि निष्पक्ष वो जो भी हो इंक्वायरी अच्छे से हो, और जो है क्या कहते हैं जो सही कातिल है उसी को पकड़ा जाए।